हम अपने आप को चार्ज करते हैं बाहरी वातावरण से, बाहरी वातावरण से अपना पूरा ध्यान अपने मन और बुद्धि की तरफ केंद्रित करते हैं। अपने मन के विचारों को आने दे और जाने दे। एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक ज्योति अपने आप को देखते हुए मस्तक के मध्य में अपने आप को स्थित करिए, जैसे कोई राजा अपनी सीट पर सेट होता है, वैसे इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा मालिक अपने आप को सीट पर सेट कर बैठी हुई हूँ। कर्मेंद्रियों से डिटैच होते होते अपने आप को एक लाइट के स्वरूप में देखिए। सामने चमकीला ड्रेस दिखाई दे रहा है, उसको धारण कर एकदम लाइट के स्वरूप में मैं आत्मा अपनी एक यात्रा पर निकल रही हूँ। आत्मा रॉकेट को ऑर्डर मिलते ही वो जा पहुँचती है सूक्ष्म वतन में, जहाँ बाप दादा बहुत ही सुंदर चमकती हुई लाइट में दिखाई दे रहे हैं। पहुँचते ही सारा सूक्ष्म वतन जैसे एक लाइट से सजा हुआ महसूस हो रहा है। चारों तरफ सिर्फ लाइट ही लाइट दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे दीप जले हुए हैं और बहुत सारी दीपमाला एक साथ में जल रही है। इस नज़ारे को अपने अंदर अनुभव करते करते बाप दादा से मीठी प्यारी पावरफुल दृष्टि ले रहे, इस दृष्टि को शक्तियाँ भरते हुए अनुभव करिए। इस ईश्वरीय स्नेह को अपने जीवन का फाउंडेशन बना लीजिए। इसी ईश्वरीय स्नेह से हमारे जीवन का परिवर्तन हुआ है और बाप दादा को एक स्नेह के सागर के रूप में महसूस करिए। बाप और बच्चे का एक ऐसा स्नेह जो एक बॉन्डिंग के रूप में अनुभव हो रहा है। ये पवित्र प्यार सारे विश्व में स्नेह के सागर के सिवा किसी और से प्राप्त नहीं हो सकता। इस स्नेह के कारण ऐसा अनुभव होता है कि सारे विश्व की आत्माएं एक परिवार है और इस स्नेह के सूत्र से ही सारी आत्माएं समीप आती हुई नजर आ रही है। इस स्नेह के चुंबक को, ईश्वरीय प्यार के चुंबक को गहराई में ले जाइए। ईश्वरीय प्यार और लगन स्वतः ही हमें बाप दादा के समीप ले आई है। इसी ईश्वरीय स्नेह से कई जन्मों के विकर्म विनाश होते हैं और इसी स्नेह के साथ अलौकिक ईश्वरीय परिवार में एक दूसरे को सहयोगी बनाकर आगे बढ़ते जा रहे। बाप दादा, मुझ आत्मा की ये स्टेज को प्रत्यक्ष
देख रहे हैं और मेरे सर पर बाप दादा हाथ फिराते हुए जैसे बोल रहे हैं कि आप ही मास्टर स्नेह के सागर के बच्चे विश्व सेवाधारी हो, विश्व में आप बच्चे ही ईश्वरीय परिवार के स्नेह के बीज बो रहे हो। आप बच्चे साधारण नहीं हो, आप बच्चे का अलौकिक प्यार ईश्वरीय स्नेह कोटों में कोई को ही मिलता है। और बाबा मुझ आत्मा को ईश्वरीय शक्तियों से, ईश्वरीय गुणों से श्रृंगार रहा है। इस अनुभव में कुछ समय टिक जाए और इसी अनुभव में अपने सामने विश्व के ग्लोब को विजुअलाइज करिए, जहाँ पर मैं मास्टर स्नेह सागर विश्व सेवा के स्टेज पर हीरो पार्ट बजा रही हूँ। सामने बाप दादा एक फूल देते हुए मुझे कह रहे हैं कि इस फूल में कितने पत्ते दिख रहे हैं। कोशिश कर हम देख रहे हैं कि फूल में केवल दो पत्ते दिखाई दे रहे। और बाबा को जब मैं कह रही हूँ कि दो पत्ते बाबा इस फूल में हैं, तो बाबा मुस्कुराते हुए मुझे कहते हैं कि ये फूल आप हो और ये जो दो पत्ते हैं, ये शुभ भावना और शुभ कामना रूपी पत्ते हैं। इसी दो पत्ते से आपकी आत्मा रूपी फूल ईश्वरीय सहयोगी, ईश्वरीय स्नेह में समाई हुई विश्व कल्याणकारी बन रही है। वैरायटी सेवा आप करते हो, जैसे पांच उंगलियों का सहयोग होता है, श्रेष्ठ कार्य सहज हो जाता, ऐसे आप आत्मा की शुभ भावना, शुभ कामना, ईश्वरीय स्नेह, ईश्वरीय शक्तियाँ और ईश्वरीय गुण वायुमंडल को परिवर्तन कर देती है। और इसी स्टेज में हमें रहते हुए विश्व को परिवर्तन करने की सेवा करते रहना है। आज बाबा एक स्पेशल वरदान भी दे रहे, जैसे एक चांद को देखकर उसकी गहराई में चले जाते हैं, तो ऐसे ही बाप दादा कहते हैं
के बच्चे आपके चेहरे से ईश्वरीय स्नेह झलकता रहे, उमंग उत्साह संबंध संपर्क में आने वालों को मिलता रहे, स्नेह के सूत्र से एक बहुत सुंदर माला आप बच्चे तैयार करिए और जब ये माला सुंदर बन जाएगी तब मैं तुम्हें एक बहुत ही हीरे रत्न जड़ित ताज पहनाऊंगा। ऐसा लग रहा है कि आज खास कार्य के लिए बाप दादा ने मुझे चुना हुआ है। स्नेह के साथ बड़ी जिम्मेवारी का भी ताज बहुत ही रमणीकता से बाबा ने पहना लिया और ऐसा महसूस हो रहा है कि बस अब सारा विश्व कहेगा मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। प्रत्यक्षता का झंडा, प्रत्यक्षता का पर्दा, प्रत्यक्षता की आवाज अब बुलंद होने का समय समीप आ रहा। विश्व की हलचल तो चरण सीमा पर जा रही है, सत्ता वाले भी हलचल में दिखाई दे रहे, पर अलौकिक ईश्वरीय परिवार एक स्नेह के संगठन में, स्नेह के सूत्र में एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर अनुभव मैं बाप दादा के सामने बैठकर कर रही हूँ और आत्मिक स्थिति में उसी उमंग के साथ सेवा भाव को धारण करते अहम, ईर्ष्या और सेवा की रुकावटें बाप दादा को मैं अर्पण करते हुए हरेक की विशेषताओं को ध्यान में रखकर संगठन को मजबूत बनाकर विश्व की स्टेज पर हीरो पाटधारी प्रत्यक्षता का झंडा लगाने वाली यही दृढ़ता के साथ प्योरिटी की पर्सनालिटी और साक्षी भाव को अपने में भरते मोहब्बत में रमण करते करते पुरुषार्थ की नई प्लान्स को बैठ
बाप दादा को मैं सुना रही हूँ और बाप दादा सफलता भव का वरदान देते हुए दृष्टि के साथ शक्तियों से भरपूर करते मुझे विदाई देते हुए और मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर एकदम सेट उसी अनुभव के साथ विश्व की सीट पर साक्षी दृष्टा होकर आज के इस अनुभव में सारे दिन रमण करते हुए अभी आज के मुरली के महावाक्य हम सुनेंगे। ओम शांति, ओम शांति।